अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तिकुरमान और आप देख रहे हैं तीक टेक्निकल एंड ग्राफिक्स। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप अपने ख़राब मेमोरी कार्ड को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं अपना मेमोरी कार्ड चेक करवा लेता हूँ कि जो मेरे सामने एरर शो कर रहा है, तो ये देख सकते हैं हम, प्लीज़ इंसर्ट अ डिस्क इन टू रिमूव डिस्क आई। तो ये मेरी जो मेमोरी कार्ड है वो ओपन नहीं हो रहा, तो मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट करता हूँ तो ये देख सकते हैं आपके सामने ये कुछ भी दिखा नहीं रहा कि ये कितने जीबी का कार्ड है। तो मैं स्टार्ट पर लेकर ओके, तो ये कह रहा है विंडोज़ वाल एनेबल टू कंप्लीट द फॉर्मेट, कि आपकी विंडो जो है ना इसको फॉर्मेट नहीं कर सकती। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा कार्ड रिपेयर कैसे हो, तो इस वीडियो में आपको बता दूँगा कि आपका जो कार्ड है वो कैसे रिपेयर हो सकता है। तो सबसे पहले आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेनी है CMD। तो दोस्तों, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद अब आपको मैं कुछ कमांड बताऊंगा जिससे आप अपना कार्ड रिपेयर कर सकते हैं। तो अब आपने इधर टाइप करना है डिस्क पार्ट, आपने इसके दरमियान में स्पेस नहीं डालनी, डिस्क पार्ट मैंने लिख दिया, और उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करते ही आपके सामने ये जो पॉपअप विंडो आ गया, आपने इधर यस प्रेस कर देना है। उसके बाद डिस्क पार्ट जो आपके जो पार्टीशन जो लगी हुई हैं उसको ओपन कर देगा। उसके बाद आप अपने टाइप करना है लिस्ट डिस्क, और इसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा 8 GB का मेमोरी कार्ड है जो यहाँ से ओपन नहीं हो रहा। तो इसके बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है, आपने टाइप करना है सेलेक्ट डिस्क, इसके साथ जो लिखा हुआ है आपके पास जो एक लिखा हुआ है या दो लिखा हुआ है, आपके पास तीन लिखा हुआ है, आपने उसके साथ वही लिखना है। तो मेरे पास दो लिखा हुआ है तो मैं इधर 2 प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो ये कह रहा है डिस्क 2 इज़ नाउ द सेलेक्टेड डिस्क, तो ये डिस्क सेलेक्ट हो चुकी है। तो इसके बाद आपने इधर टाइप करना है क्लीन, तो ये आपके जो मेमोरी कार्ड है उसको क्लीन कर देगा। तो दोस्तों, ये कह रहा है डिस्क पास सक्सेस एंड क्लीनिंग द डिस्क, जो आपका मेमोरी कार्ड है वो क्लीन हो चुका है। इसके बाद आपने इसके अंदर न्यू पार्टीशन बनानी है। तो न्यू पार्टीशन बनाने के लिए आपने इधर कमांड टाइप करनी है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, उसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद ये कह रहा है डिस्क वाज सक्सेस इन क्रिएटिंग द स्पेसिफाइड पार्टीशन, जो आपकी पार्टीशन जो बन चुकी है। इसके बाद आपने सिंपल से जाना है अपने कंप्यूटर में, ये आपके सामने है, मैं आपके सामने इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो आपने सिंपली फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये 8 GB का मेमोरी कार्ड अब शो कर रहा है। उसके बाद आपने 8000 बाइट्स को सेलेक्ट कर लेना है और स्टार्ट पर क्लिक करना है। उसके पहले आपने क्विक फॉर्मेट पर जल्दी पहले क्लिक करना है, क्योंकि इस पर नहीं करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, इतना टाइम नहीं लेगा, क्योंकि ये जो SD कार्ड है वो बहुत पुराना है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा आपका। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि फॉर्मेट कंप्लीटेड,
जो आपकी पेन ड्राइव या एसडी कार्ड है वो फॉर्मेट हो चुका है, आपका कार्ड रिपेयर हो चुका है, तो क्लोज और आपका कार्ड ओपन, आप इसमें जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो दोस्तों आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपका जो आप अपने कंप्यूटर में अगर कार्ड लगाते हैं तो आपका कार्ड गर्म हो जाता है, तो आप उस कार्ड को फेंक दें, क्योंकि वो कार्ड आपके पीसी को क्रैश भी कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।